हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ यहाँ की बहुत ही फेमस सूरत की के लाल दाबेली। तो अभी देखेंगे कैसे होती है दाबेली की मेकिंग और क्या रहने वाला है यहाँ का स्पेशल आइटम। तो मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में भैया से और बताता हूँ कि कैसे रहती है यहाँ पे स्पेशल आइटम की इनकी मेकिंग। तो चलो चलते हैं। हेलो भैया, नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल भगत। हाँ, तो हमारे दर्शकों को बता दिए आपकी ये जो शॉप है ये कहाँ पे आई हुई है? ये त्रिकम नगर 2 राधा कृष्ण मंदिर के बाजू में। राधा कृष्ण मंदिर, तो दोस्तों बता दूँ इनकी ये जो शॉप है के लाल दाबेली बहुत ही फेमस शॉप है और ये आई हुई है राधा कृष्ण मंदिर के पास त्रिकम नगर में सूरत के अंदर। तो भैया आपके यहाँ पे क्या मेनली फेमस क्या चीज़ है? मेरे पास सिंपल दाबेली है, जो ओरिजिनल बोलते हैं कच्ची दाबेली, कच्ची वही है। अभी देखेंगे आगे वीडियो में कि कैसे होती है कच्ची दाबेली की मेकिंग और क्या रहता है यहाँ का अपना अनुभव। तो दोस्तों देखेंगे कैसे बनती है कच्ची दाबेली, वो बताता हूँ मैं आपको इसकी मेकिंग। गरम मसाला है दाबेली का स्पेशली। दोस्तों देखेंगे अभी डाला जा रहा है ये दाबेली का जो गरम मसाला है वो टेस्ट पर, जो भैया का जो माप रहता है उसके अकॉर्डिंग ये दाबेली का जो गरम मसाला है वो डाला जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं तेल के अंदर डाला गया दाबेली का गरम मसाला। अभी इसको देखते हैं, इसको भी लगभग कितनी देर तक फ्राई किया जाएगा? इसको 2 मिनट तक। 2 मिनट तक अभी ये मसाला दोस्तों फ्राई किया जाएगा। अभी इसके अंदर देखिए दोस्तों डाला जा रहा है आलू और इमली का पानी। इसके अंदर देखिए दोस्तों अभी डाला गया था आलू और इमली का पानी। एक्चुअली वो डालने के पीछे भैया ने रीज़न ये बताया, जो गरम मसाला है ना वो जल नहीं जाए, तो उसकी वजह से ये चीज़ डाली जाती है। उसके बाद नमक, अभी डाला जा रहा है नमक एज पर द टेस्ट ऑफ भैया का जो माप है। अभी दोस्तों इसके अंदर डाली जा रही है शक्कर। इसको अब लगभग कितनी देर तक पकाया जाएगा भैया? 5 मिनट। आप इसका कलर देखिए एक बार, बहुत ही शानदार। अब इसके अंदर डाला जाएगा जो इनके स्टीम किए हुए, जो बॉईल किए हुए आलू है उसका मसाला। देखते हैं भैया कैसे होती है दाबेली की मेकिंग मसाले की। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो मसाला जो आलू का डाला गया था वो ग्रेवी के अंदर एकदम प्रॉपर पूरा फुल्ली एकदम मिक्स किया जा रहा है और जो इसका जो तरीका है वो देखिए बड़ा ही शानदार तरीका रहने वाला है। तो अभी दोस्तों आप देखेंगे कि फाइनली इसको हिला के थोड़ी देर तक पूरा मिक्स किया गया था और अब लगभग थोड़ी देर बाद में ये हो जाएगा मसाला रेडी। और आप देख सकते हैं कि लगभग ये मसाला रेडी होने की पोजीशन में आ चुका है और ये हो चुका है एकदम मिक्स होके पूरा कम्प्लीटली रेडी। तो इसके आगे भी देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी भैया कितनी देर तक रखा जाएगा इसे? ये आधे घंटे तक ठंडा होने, आधे घंटे तक। दोस्तों आपको बता दूं इसको फिर रखा जाता है कि नॉर्मली इसका जो भी जो टेम्परेचर है ना दाबेली में, मैं बता दूं कच्ची दाबेली में ना जो आपको मिलने वाला है गर्म नहीं मिलने वाली है, ठंडी चीज मिलती है। तो आप देखेंगे ये अभी जो इसको किया है आधे घंटे तक लगभग ठंडा किया जाएगा मसाले को, फिर बताऊंगा मैं आपको आधे घंटे बाद की क्या रहने वाली है यहाँ की प्रोसेस। तो अभी ये जो आप देखेंगे दोस्तों जो मसाला बनाया गया था वो मसाला नॉर्मली यहाँ पे पूरा लिया गया है इस ट्रे के अंदर। ये धनिया, अभी इसके ऊपर डाला जा रहा है हरा धनिया, ये अभी रखा गया है इस पोजीशन पे। अभी ये भैया क्या कर रहे हैं आप? ये गार्लिक का चटनी है, तीखा वाला गार्लिक का चटनी। तो दोस्तों ये देखिए ये है इनकी गार्लिक की चटनी। नॉर्मली इसमें क्या क्या चीज डाली हुई होती है? इसमें लहसुन और मिर्ची। लहसुन और मिर्ची मतलब तीखी चटनी रहने वाली है दोस्तों। हाँ। ये फिर आते हैं इनके कटिंग किए हुए प्याज,
ये रहेगा अपना मीठा चटनी खजूर और इमली का। ये देखिए दोस्तों अभी आ रहा है इनका मीठा चटनी, जो नॉर्मली भैया का होममेड चटनी है, खजूर और इमली इन दोनों के मिक्स से ये बनता है। इसमें नींबू सत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, नींबू सत और आरा लोट का। अभी आप देखेंगे नॉर्मली कच्ची दाबेली के लिए आ चुके हैं ये दाबेली के पाव। हाँ तो दोस्तों अभी मेकिंग हो रही है दाबेली की, देखते हैं कैसे होती है मेकिंग। सबसे पहले डाली गई है इसके अंदर इनकी चटनी, उसके बाद में ऐड किया गया इनका मसाला, फिर ऊपर डाले जा रहे प्याज और इनकी तीखी चटनी, वापस से मसाला, फिर मसाला ऐड किया गया है, फिर से दोस्तों डाली जा रही है चटनी इनकी और ये मेरा स्पेशल सींग, और ये ऊपर आप देखिए इनके स्पेशल सींग, और ऊपर डाले गए हैं फिर से प्याज, ये रेडी। और ये रेडी हुई के हमारे पास आ चुकी है कच्ची दाबेली। आप एक बार इसका फर्स्ट मीडियम देख दो कैसा रहता है फर्स्ट। तो दोस्तों देखिए अभी हमारे पास आ चुकी है के लाल की कच्ची दाबेली, तो अभी बारी आ गई इसको टेस्ट करने की। मैं वैसे बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ का टेस्ट ऑब्वियसली बहुत पसंद है। इनमें स्पेशली भैया की जो खास बात है ना, जो इनकी जो चटनी है ना, जो चटनी जो भैया की लहसुन की चटनी और मीठी चटनी सब एकदम लाजवाब है। तो आइएगा केलाल दाबेली में और टेस्ट कीजिएगा यहाँ की कच्ची दाबेली। थैंक यू। आपकी ये जो शॉप है ये यहाँ पे कितने टाइम से है? ये 93 में चालू किया था पापा ने। की प्राइस क्या रहने वाली है? हाँ 93 में पापा ने चालू किया था, दाबेली का प्राइस 2 रुपया था, अभी 20 रुपया है। तो भैया आपके यहाँ पे शॉप पे आना तो टाइमिंग क्या रहने वाला है? टाइम दोपहर को 2 बजे से जब तक माल है तब तक 7:30 बजे तक।